अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज मैं एक छोटा सा व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ शारजा एक्सपो के बारे में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे शारजा एक्सपो को, यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अगर आपको ईद की शॉपिंग करनी है और आपको पाकिस्तानी चीज़ें चाहिए, पाकिस्तानी कपड़े, ज्वेलरी और जूतियाँ चाहिए, तो प्लीज़ रश टूवर्ड्स शारजा एक्सपो। यहाँ पर आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जी यहाँ पर एंट्रेंस पर आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी, जो कि 580 पर पर्सन है। एंड जी एक्सपो के टाइमिंग जो है वो 5 PM टू 1 AM है। और जी यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ब्रांड मौजूद था जो UAE में है, बट यहाँ पर इस बार स्प्लैश नहीं था, जिसको हमने बहुत मिस किया। बेबी शॉप पर भी कपड़े बहुत अच्छे थे, एडिडास वगैरह सब पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। और शूज़ वगैरह अगर आपने ब्रांड के लेने हैं तो ये जी बेहतरीन मौका है। रश टूवर्ड शारजा एक्सपो और आप अपनी मर्जी की शॉपिंग करें यहाँ पर, वो भी ब्रांडेड, वो भी डिस्काउंट प्राइस में। क्लोथिंग तो क्लोथिंग, यहाँ पर हर आइटम अवेलेबल है, फ्रॉम हाउस होल्ड एसेंशियल्स टू डेकोरेशन टू क्रॉकरी, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये स्विंग तो मुझे बहुत ही पसंद है, आई लाइक इट। बर्तन भी जी हाँ बड़ा आपको लूज में मिल जाएंगे। और ये सिंक का बस मैंने तो कर रहा था, मैंने बस चल रहा था कि मैं इसको परचेस कर लूँ। कैंपिंग मटेरियल भी था, सर्विंग ट्रॉलीस थी, एंड ये मिनी बास्केट्स जो हैं वो बहुत प्यारी लग रही थी। टॉय शॉप्स भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों के साथ आएँ तो बच के ज़रा टॉय शॉप से। और इसके अलावा लेडीज़ पैक्स की बहुत अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी। और आप प्राइस चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये नहीं कि अगर सेल पे लगाया हुआ है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, हर चीज़ बहुत अच्छी है। और ईद के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए ये मैं कहती हूँ परफेक्ट जगह है। इवन अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं, आपको लगेज पैक की ज़रूरत है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लंच पैक्स, इवन बच्चों के पैम्पर्स तक, ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर एवरी डे असेंशियल से रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल है। ये जी मैं आ गई थी निशात की आउटलेट के ऊपर, और यहाँ पर मैंने कुछ ड्रेसेस की प्राइस जो है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी अगर किसी ने निशात की आउटलेट पे जाना है तो ये हॉल नंबर 3 में है। 50% ऑफ लगा हुआ है एंटायर स्टॉक के ऊपर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ ईद के लिहाज से वैरायटी यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। इसके बाद जो मेरा मेन एम था यहाँ पर आने का, वो तो ईद की शॉपिंग के साथ साथ अबाया की शॉपिंग था, क्योंकि मुझे गाउन लाजमी चाहिए था। हिजाब और शॉलर जो हैं वो 10 दरम टू 15 दरम में अवेलेबल थे, और यहाँ पर शुक्र है अबाया के लेटेस्ट डिज़ाइंस भी अवेलेबल थे। काफ़ी अबाया शॉप्स हैं, आप एक्सप्लोर करके अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, अपने साइज़ के लिहाज से जो डिज़ाइन आपको पसंद है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्लॉथ के स्टॉल लगे हुए हैं, ये ज्वेलरी के कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ज्वेलरी भी बहुत रिजनेबल प्राइस में जो है वो मिल रही है यहाँ पर। और जी अबाया आपको यहाँ 70 to 90 यानी 100 दरम के अंदर अंदर ही बहुत प्यारा और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का अबाया जो है वो आराम से मिल जाता है। इसके अलावा ये कुछ स्टॉल्स हैं और मैंने कुछ प्राइजेस जो हैं साथ कवर करने की कोशिश की है। इंडियन क्लॉथ स्टोर्स भी बहुत अवेलेबल हैं, और ये चूड़ियाँ आप चेक कर लें ज़रा, यहाँ पर 1 दरम की लगी हुई है। बैंगल सेट्स जो है, ये पर्स सेट जो है ये 1 दरम है। और शर्विंग ट्रे सेट जो है वो बहुत 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 प्यारे और बहुत क्यूट है। जैसे ऑनलाइन हम देखते हैं ना, वो सेम आपको यहाँ पर सारी वैरायटी मिलेगी और रिजनेबल प्राइस में। और ये है जी पाकिस्तानी जूतियाँ, पाकिस्तानी शूज़ का स्टॉल, काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइन आए हैं। मैंने यहाँ पर आम नहीं देखे, इस तरह तो पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जूतियों के साथ साथ जी कुसास भी अवेलेबल है, हर साइज़ के छोटे बड़े, बच्चों की भी अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चेक करें इसकी वैरायटी और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी वाली है। और साथ में जी ये पाकिस्तानी बेड शीट्स जो कि 20 थरम में अवेलेबल थी,
डबल सिंगल डबल किंग क्वीन हर साइज की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो अगर आप इनर और आउटर अलग वाला बाया ढूंढते हैं तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। खैर हमने शॉपिंग की और उसके बाद हम बिल्कुल ही एक्सपो के सामने कॉर्निश है वहाँ पर चले गए, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो हमने कहा चलें जी थोड़ी देर बैठ के ना यहाँ पर हम गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। तो जी ये है कॉर्निश का व्यू, जगमग जगमग करती लाइट्स और प्यारे प्यारे से क्लाउड्स। एट द एंड जी हम चले गए शमसीन बेकरी को अपना फेवरेट फतेह खाने, जो कि मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसका मीट और चिकन फतेह लास्ट में ट्राई करें। आई होप आपको भी लास्ट का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।